हरियाणा देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता संदीप लोहान, उनसे बात करेंगे। जुलाना में कल चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस मनाया जाना है, किस तरह का कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया जाएगा जुलाना में? जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सभी दर्शकों को। कल 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे हरियाणा में मनाया जा रहा है, सभी 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर। इसमें मैं जुलाना का संयोजक बनाया गया हूँ, जैसे जींद की 5 विधानसभा में, तो सभी में इसमें 5 संयोजक बनाए गए हैं। और इसमें ऊपर से हमारे नेता और पदाधिकारी जी आएंगे। हमारे जुलाना के अंदर कल माननीय संगठन मंत्री जी रविंद्र राजू जी आएंगे, और कल सुबह 9:30 बजे का अग्रवाल धर्मशाला जुलाना के अंदर हमने चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती का बलिदान दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। संदीप जी, जैसे बात की जाए बलिदान दिवस की, इससे पहले कभी बलिदान दिवस जुलाना विधानसभा के में नहीं बनाया गया, तो अब की बार ये बलिदान दिवस मनाया जा रहा, तो किस तरह का बलिदान दिवस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी है बलिदान दिवस मनाती है। जैसे आजकल आप वैसे देखते हो, जैसे कोई व्यक्ति या बच्चा तिरंगा उठाया हुआ है या कुछ भी है, तो हर कोई बोलता है कि ये जो लड़का है या जो आदमी है ये भारतीय जनता पार्टी का होगा, समाज के द्वारा इसको ऐसा बोला जाता है। इसे थोड़े दिन पहले 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई थी, जिसमें माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे जो पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी की, वो अंडमान निकोबार जाकर वहाँ की मिट्टी लाई गई थी। इसी प्रकार से इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है, इसमें भी अभी 3 दिन पहले हमारे प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी इलाहाबाद गए थे, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई थी। उस अल्फ्रेड पार्क की वहाँ से मिट्टी लाई गई है, और उस मिट्टी से सभी का कल 27 तारीख को सुबह 9:30 बजे जुलाना में तिलक किया जाएगा। ये देखिए, ये थे हमारे साथ संदीप लोहान, भारतीय जनता पार्टी किसान सेल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि जुलाना में बड़ी धूमधाम से चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा।